चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2021 को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या स्थित भगवान श्री रामलला सरकार को विशेष वस्त्र पहनाए गए हैं। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला प्रभु श्री राम के वस्त्रों की शैली को बदला गया है। मयूर व अन्य वैष्णव चिन्हों को रंग बिरंगे रेशम के साथ साथ असली जरी से काढ़ा गया है। यह जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दी है। दर्शन को लेकर चंपत राय ने किया आगाह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पैसा लेकर या टाइम स्लॉट देकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं सामने आई हैं जिसकी जांच पुलिस करेगी। ट्रस्ट का इससे कोई संबंध नहीं है। जो भक्त लाइन में लगकर सहजता से श्री राम लल्ला के दर्शन करते हैं उन्हें अच्छे दर्शन होते हैं। 17 तारीख को रामनवमी है, उस दिन भगवान का प्राकट्य 12 बजे होने वाला है। उस समय सूर्य रोशनी का किरण भगवान के मस्तक पर आए, इसलिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। आज उसका टेस्टिंग हो गया और एक दृष्टि से आज सूर्य तिलक का एक मॉकअप ट्रायल पूर्ण हुआ है। और आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। लगभग कितने समय तक वो सूर्य वहाँ पर मौजूद होगा, किरणें मौजूद होंगी? 2-2.5 मिनट तक अच्छे रूप से और 5 मिनट तक थोड़ा फेड स्वरूप में कुल मिलाकर रहेंगे। कितना आकर्षण का केंद्र रहेगा ये सूर्य तिलक? भक्त पूरे देश भर से कहीं भी देख सकते हैं। हम तो वीडियो प्रसारण करेंगे। हम भक्तों के लिए यही विनंती करेंगे कि अपने स्थान पर रह करके दूरदर्शन के माध्यम से इसको देखने की कृपा करें। अच्छा, रामनवमी में और क्या मंदिर की साज सज्जा की जाएगी, किस तरह से सजाया जा रहा है? हर साल रामनवमी के समय हम करते ही हैं। इस बार नए मंदिर में भगवान विराजमान हैं, सज्जा करेंगे, फूल की सज्जा और बिजली की सज्जा सब हम करेंगे। और ये सब सुबह और 12 बजे दोनों अभिषेक होंगे। अभिषेक के बाद आरती होगी, भगवान का भोग लगेगा, पूरे दिन का दर्शन।